सब्सक्राइब कीजिए ऑनली टॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइस आज हमें एक और क्लोज बीटा की अपडेट देखने को मिल गई है MIUI 11 में। अगर वर्सन की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को वर्सन देखने को मिलेगी 9.10.15, जो आज का डेट है 15 अक्टूबर 2019। दोस्तों आज के डेट में हमें एक और अपडेट देखने को मिली है और इस अपडेट में क्या क्या हमें नई चीज देखने को मिली है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों इसमें हमें कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिली है और दोस्तों जल्दी हमारे ग्लोबल लो में भी ये अपडेट देखने को मिलने वाली है MIUI 11 की। तो ग्लोबल रोम में क्या फीचर देखने को मिलने वाली है और इस रोम में हमें क्या फीचर देखने को मिली है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स पर जाकर दिखा देता हूं तो आप लोग यहां पर MIUI वर्जन 9.10.15 देखने को मिल जाती है। और अगर चेंज लोग दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर, तो वर्सन आप लोग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास बीटा अकाउंट नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर परमिशन को चेक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें हम लोग को चेंज देखने को मिल जाती है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो वैसे देख सकते हैं यहाँ पर 9, 10, 15 की हमें चेंज देखने को मिल जाती है। तो चेंज में क्या देखने को मिलती है यहाँ पर, तो ये रेडमी नोट 7 प्रो के लिए दोस्तों चेंज देखने को मिल जाती है जिसमें एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच अक्टूबर की देखने को मिल गई, क्योंकि रेडमी नोट 7 की डिवाइस में हमें काफी दिनों पहले ही एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच अक्टूबर की देखने को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली अब रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में भी अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 और नोट 7 एस इन डिवाइसेस के लिए डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। अगर आप लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी गाइड बता चुका हूँ किस तरह से आप लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोग सेटिंग में लेकर फिर से दिखा देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी माई डिवाइस में दिखाया था दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ऑल स्पेक्स में। एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पर यहाँ अक्टूबर देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्सन की बात कर लेते हैं तो 9.5 देखने को मिलती है अभी भी, तो क्यू अभी देखने को नहीं मिली है। MIUI वर्सन MIUI 11 9.10.15 देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों सबसे पहले जो चेंज लोग आपको देखने को मिलेगी, जो हमें MIUI 11 के संग में देखने को मिल गई थी लेकिन मैं आप लोगों को बताया नहीं था, और उससे क्या मिलेगी, अब किसी भी नोटिफिकेशन में हम लोग देखने को मिलेगी तो उसकी एक पॉपअप हमें हमारे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। किसी को मैसेज आप सेंड करेंगे, कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, तो अगर नोटिफिकेशन आपके फोन में आती है तो आप लोग यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगी जो इस क्लिक को काफी इनहेंस कर देती है और दोस्तों ये एनिमेशन काफी अच्छी लगती है देखने में। तो सबसे पहले चीज आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तब बैटरी में, तो बैटरी दोस्तों में यहाँ पर MIUI 11 के अपडेट में नई आइकन देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर थीम चेंज करके दिखा देता हूँ तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर डिफॉल्ट थीम को यूज कर रहा हूँ और बैटरी के आइकन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की आइकन देखने को मिल जाती है। और सेटिंग में जाकर दोस्तों मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ मैं। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों अगर डिस्प्ले में जाते हैं फिर जाते हैं हम लोग यहाँ पर इस नॉच स्टेटस बारे में दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इस इंडिकेटर पर टैप करेंगे तो हमें तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिलती है, परसेंटेज इन द आइकन जो अभी आपको देखने को मिल जाती है, परसेंटेज के अंदर में हमें बैटरी आइकन के अंदर में परसेंटेज देखने को मिलती है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग ग्राफिकल करेंगे तो ग्राफिकल कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिल जाती है, कोई भी परसेंटेज आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे परसेंटेज टू नेक्स्ट टू द आइकन तो हमें इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हैं सभी में हम लोग को बैटरी आइकन जो है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। इससे पहले दोस्तों MIUI 9 में हमें डिफरेंट टाइप की बैटरी देखने को मिलती थी, MIUI 10 में डिफरेंट टाइप की मिलती थी, अब दोस्तों फाइनली MIUI 11 में भी हमें डिफरेंट टाइप की बैटरी आइकन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है इस क्विक सेटिंग पैनल में दोस्तों हमें न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, तो जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी उस तरह दोस्तों हमें यहाँ पर नई चीजें देखने को मिलती रहेगी। तो अभी स्टार्टिंग एज में दोस्तों तो अपडेट हमें आहिस्ता आहिस्ता करके देखने को मिलती रहेगी। अब दोस्तों अगले चेंज लोग की बात कर लेते हैं तो वो हमें देखने को मिलती है लॉन्चर में। तो अगर मैं लॉन्चर की दोस्तों बात कर लेते हैं, इस बार लॉन्चर की सेटिंग में लेकर मैं आपको मोड में जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को ऐप ड्रॉअर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ऐप ड्रॉअर में दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐप सेशन की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड की भी एक सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो तीन तरह की सपोर्ट देखने को मिल जाती है जिस तरह से पोको लॉन्चर में देखने को मिलती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है बैकग्राउंड वाले में लाइटिंग ऐसे कुछ इस तरह देखने को मिलती है। डार्क करेंगे दोस्तों हमारी पूरी यहाँ लॉन्चर यहाँ पर डार्क मोड में चली जाएगी। और सिस्टम वाइड करते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर, अगर हमारे फोन में सिस्टम वाइड डार्क मोड एनेबल है तो आप लोग यहाँ पर डार्क मोड देखने को मिल जाएगी, और अगर सिस्टम में हमारा लाइट मोड एनेबल है तो आप लोग लॉन्चर यहाँ पर लाइट मोड देखने को मिल जाती है। तो ये चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगी लॉन्चर में MIUI 11 की। और दोस्तों ऐप वर्सन की बात कर लेते हैं, लॉन्चर वर्सन की बात कर लेते हैं आप लोगों को, तो 4.12.129 देखने को मिल जाती है जिसमें हम लोग को नई वाली फीचर्स बैकग्राउंड की देखने को मिल जाती है।
तो दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कुछ पूछना होता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे काफी मोटिवेशन देखने को मिलती है। दोस्तों ये काम आप लोग जरूर करिएगा।